आप सभी का स्वागत है अभिनंदन गोवली की इस पावन पवित्र धरा पे। एक और बेहतरीन मैच शुरू होता हुआ इसमें ढील की जाटान वर्सेज स्थानीय टीम के साथ, और इसमें ऑफिशियल से विजेंद्र जी जांगेड, भामाशाह राम सिंह जी, धतरवाल जगदीश जी, लमोरिया, तमाम ऑफिशियल्स इस समय 15 किलोमीटर है यहाँ से। ऑफिशियल्स के साथ इसमें आपको देखने को मिलेंगे अनिल जी गुर्जर, गणमान्य व्यक्ति सरपंच साहब जी, अजय जी नरवाल, ओम प्रकाश जी जांगीर, खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए विजेंद्र जी जांगीर, जगदीश जी नेहरा, और इस वक्त देखिए ढील की जाटान टीम के साथ में परिचय की एक बांधगी, मांगेलाल जी बाडेटिया, नरसिंह जी योगी, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए इस समय नागर जी सम्माननीय विजेंद्र जी ग्रामवासी और तमाम वीआईपीज और बेहतरीन सेवाएं देते हुए राम सिंह जी धतरवाल इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका योगदान काफी बेहतरीन। और इस वक्त टॉस खुड़िया वर्षेज ढील की जाटान के बीच भूपेंद्र जी, अनिल गुर्जर उनके साथ, गुर्जर और अजय जी नरवाल, शानदार निर्णय कमेटी, कोई भी निर्णय में कोई भी चूक नहीं। ढील की जाटान के कप्तान मान सिंह ने टॉस जीता, दूसरे राउंड का मैच है। सभी लीजिए दोस्तों, खेल शुरू होता हुआ इसी के साथ खुड़िया पहली राइड पे चला है। पहला ही राइड इसलिए खामोशियों से ही वापस। श्री हरि राम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023 गोवली की इस पावन पवित्र धरा पे, जो हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन और उस पे पहली बार कबड्डी का आयोजन रखा गया है। कमाल का कैच क्या है इस समय खुड़िया के डिफेंडर ने, और खाता इसमें खोलता हुआ खुड़िया, खुड़िया ने खाता खोल दिया है 1-0 से आगे इस वक्त। तालियां बजाते रहे अजीत चले हैं इस वक्त रेड पे। खुड़िया का स्कोर 1, भादरा 0। राकेश 5 नंबर जर्सी में ढील की जाटान के बेहतरीन रेडर, टॉस जीता कप्तान मान सिंह ने, लेकिन शुरुआत यहां खुड़ियों की अच्छी, बोनस का अच्छा प्रयास किया है। आखिर देखते हैं निर्णायक का डिसीजन क्या रहता है। और यहां पहुंच गए लॉबी, सही दो अंक है, कुल मिलाकर 2 पॉइंट, शानदार मुजाहिरा, बिट्टू चले हैं इस वक्त डुओ डायरेक्ट लेकर, क्योंकि तीसरा रेड इसलिए करो मरो की स्थिति। दो रेड खाली जाने के बाद तीसरे रेड पे पॉइंट अर्जित करना ही होता है, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन टैकल बहुत जबरदस्त इस वक्त है। तीसरा पॉइंट इस वक्त है ढील की जाटान की झोली में, 3-1 से आगे इस वक्त। मोहित चले हैं इस वक्त बिट्टू, टच पॉइंट का दावा कॉर्नर पे, जी हाँ अजय को टच किया। चौथा पॉइंट इस समय ढील की जाटान की जटाओं में, मजबूत होता हुआ शुरुआती समय में खुडियों के लिए इतना आसान नहीं होगा आगे की राहें। दबाव बनाता हुआ शुरुआती समय में खेल के, और उसी दबाव में खाली हाथी वापस लौटे अमित, सुपर टेकल के संकट में है, कैच करने का प्रयास, और जी हाँ बहुत ही शानदार तरीके से सुपर टेकल, टेकल यहाँ पे 2 पॉइंट, सुपर टेकल खुड़िया, 3 या 3 से कम डिफेंडर होते हैं और भादरा का स्कोर है, तो कैच करने पर 2 पॉइंट दिए जाते हैं 3-4। स्कोर इसी के साथ देखिए 3-4, वापस धीरे धीरे लौटने की कोशिश खुड़ियों की। आज मौसम लगभग साफ, खिली हुई धूप नीले आसमान के तले, ये विशाल कबड्डी प्रतियोगिता विजेता टीम के लिए, 31,000 उप विजेता के लिए 21,000 का प्राइज रखा, लेकिन यहाँ सफल रेड इस वक्त है 2 पॉइंट के साथ है, बढ़त बनाता हुआ इस समय 3 के मुकाबले 6। और लीजिए इधर से फिर से डोर डाई रेड लेके चले हैं, थोड़ा सा नियंत्रण खोते हुए, लेकिन सेफ अभी तक 7 के डिफेंस में ढील के जाटा। और यहाँ लूज कंट के चलते पॉइंट गवाता हुआ उपहार के रूप में अंतिम खिलाड़ी, इसलिए आत्मसमर्पण और ऑल आउट, जो भी टीम विजेता होगी लीजिए उसको 4.5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया है ढील की जाटान ने खुडियों को।
हर टीमों को देंगे, देते रहेंगे इनाम देते रहेंगे। खिलाड़ियों को कल 1200 रुपए दिए थे, ढाई अंकों में जाता हुआ इसी के साथ इनाम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच साहब और बहुत बेहतरीन तो के समय मानसिंह द्वारा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए अंतिम समय में लॉबी के माध्यम से। तीन पॉइंट सुपर डुपर खुडिया ने बताया, सुपर रेड लगा दी है खुडिया के खिलाड़ी ने। स्कोर टच पॉइंट यहां पे आसानी से खुडिया 6 भादरा 11 6-11 के स्कोर में इस वक्त। उमरा की टीम पहुंच चुकी है 5 अंकों की, चैनपुरा की टीम भी पहुंच चुकी है, पोली अजीतपुरा पहुंचने वाली है। अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। और जो स्वाती 4.5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया, उसका दबाव इस समय दिखता हुआ खुडियों के ऊपर। खुडिया का प्लेयर ढील की जाटा डिफेंस को चेक करते हुए बहुत दूर से खेलने के लिए आए हैं, और पिछला रेड सुपर रेड था, माफ कीजिए कॉर्नर पे सिंगल पॉइंटर जीत गया था। तो फिर से कोशिश होगी कहानी दोहराने के, और ये 2 पॉइंट के साथ है। जी हाँ, 2 पॉइंट पिछली रेड पे 1 पॉइंट, इस बार 2 पॉइंट। स्कोर पहुंचा 13 6 दिल की 6 खुटिया 6-13 यानी 7 अंकों की बढ़त। पहले आपका खेल 6-13 शानदार, और यहाँ चैन डाकर साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ ढील की जाटान की 14 8 अंकों की बढ़त बनाता हुआ, और सुपर टेकल में फिर से आ गया है। यहाँ से पॉइंट गवाए तो फिर ऑल आउट होने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ, एक और पॉइंट गलती करते हुए, और अक्सर दबाव में गलतियां होती हैं। डिफेंस की कमी नजर आ रही है इस वक्त खुडियों की टीम में, क्योंकि टीम गेम इसलिए एकता चाहिए। सभी दर्शकों को कमजोरियां नजर आती भी, अच्छी जानी मानी टीम पहुंचने वाली है। पे टच किया मोहित को, वाले होंगे काफी देर के बाद एक पॉइंट जीत गया, लेकिन सुपर टेकल का संकट लगातार देखिए। 3 के डिफेंस में से खुडिया, और आसानी से फिर वही कहानी, एक पॉइंट अर्जित करता हुआ फिर से। अच्छी खासी बढ़त इस वक्त ढील की जाटान के पास, लेकिन पहले आपका खेल। स्कोर है 20-5 मुकाबला, भादरा ने बढ़त बना ली है 7-16 के स्कोर में इस वक्त। दूसरे राउंड का ये मैच चल रहा है, दबाव में वापस लौटना पड़ा बगैर किसी पॉइंट के। सुपर टैकल, सुपर टैकल कंटिन्यू, लेकिन इस बार 2 के डिफेंस में है, और ये रोकना सुपर टैकल कर लिया है भाई खुडिया के नाम, लेकिन सफल टैकल 2 पॉइंट शानदार कार्य करता हुआ सुपर टैकल में खुडिया, दूसरी बार सुपर टैकल में कैच किया। अभी तक बहुत समय बाकी है, 2 पॉइंट के साथ 9 स्कोर बढ़ता हुआ, लेकिन अभी भी मुकाबले में पिछड़ा हुआ खुडिया। भरपूर कोशिश होगी वापसी की, लेकिन इतना आसान नहीं। ढील की जाटान का डिफेंस बहुत ही मजबूत है, और यहाँ लीजिए साइड लाइन से बाहर भेजते हुए दर्शक पहुंच चुके हैं मैच का लुत्फ उठाने के लिए। लॉबी में थे गोली ऑफिशियल, मिस यूज लगता है तो 2 पॉइंट जाते हुए कर खुडियों के खजाने में, क्योंकि लॉबी में बेस्ट प्लेयर माथुराम जी पहुंच चुके हैं देरावत पतनगढ़ से। राम सिंह जी स्वामी जोरदार तालियां बजाए, खुडानिया गोली सभी दर्शकों के लिए तालियां। कॉर्नर पे कैच करने की कोशिश, फिर वही गलती, 2 पॉइंट गवाए, 2 पॉइंट ढील की जाटान। ढील की जाटान मजबूत होता हुआ, हमारी निर्णय कमेटी इतनी, और ये दीदी चकमा देते हुए लक्ष्य तक पहुंच गए तेजी से। क्या रफ्तार थी खुडिया, और किस अंदाज से चकमा दिया, देखिए छे टायर स्टेट के टाइम आउट लिया के साथ 13-19 छह अंक पीछे मुकाबले में, लेकिन धीरे धीरे वापसी की खिलाड़ी ने तालियां बजाते रहे भाई, कितना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश जी जांगीड, राम सिंह जी धतरवाल बेहतरीन सेवाएं देते, और सफल टूर्नामेंट के लिए उनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय अंपायर अजय जी नरवाल, अनिल जी गुजर, भूपेंद्र जी, प्रमोद जी माफ कीजिए, एक से बढ़कर एक बेहतरीन निर्णायक यहाँ पे। और ये देखिए धक्का देकर डिफेंस को भेजते हुए पहुँचे खुडियों के पाले में, एक अंक अर्जित किया 14वां पॉइंट खुडियों के छप्पर में। थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश इस वक्त है। ढील की जाटान द्वारा और कॉर्नर पे कैच किया मगर फिर से वही कहानी और बटोर लिया एक अंक। अच्छी स्थिति में इस वक्त पहले आपका खेल श्री हरि राम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023, विशाल कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें विजेता टीम के लिए 31,000 रुपये विद चमचमौती ट्रॉफी और उसके साथ उपविजेता के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा गया है। तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम को भी स्कोर है वो 21-14, ज्यादा डिफेंस नहीं है 21-14 के स्कोर में, लेकिन यहाँ दो पॉइंट मिल जाएंगे। खेलना होगा जी हाँ, लगातार गलतियां दोहराते हुए मुकाबले में पिछड़ता हुआ खुडिया, डिफेंस कमजोर और यही वजह की मुकाबले में इसमें बैकफुट पे पूरा फायदा उठाता हुआ इस वक्त ढील की जाटान। बोनस का प्रयास मगर इतना आसान नहीं ढील की जाटान से बोनस अर्जित करना, मजबूत डिफेंस में नजर आता हुआ मोहित पन्नालाल जी चाय लाए, टाइम शुरू हो चुका है, चाय का 5 मिनट का है। खतरा यहां ऑल आउट का होगा और ये अंतिम खिलाड़ी लीजिए अनुभव का फायदा उठाते हुए इस वक्त आउट प्लेयर और अब इसी के साथ ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट किया, 4 पॉइंट चौका लगा दिया ढील की जाटान ने। 11.5 मिनट के खेल में दो बार ऑल आउट कर चुका है ढील की जाटान। 27-14 को स्कोर देखिए इस समय 27-14 यानी 13 अंकों की बीस कीमती बढ़त, तकरीबन दुगना स्कोर इस वक्त। 7 के डिफेंस में बेहद मजबूत है और तालमेल बहुत बेहतरीन नजर आया है, कंसिस्टेंसी जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर होगा। दबाव में दिखता हुआ इस वक्त है खुडियां, शानदार बोनस का प्रयास अमित, लेकिन बोनस में पांव उठाना भी जरूरी होता है। अमित क्या जोखिम के लिए जाएंगे, जोखिम उठाने की वैसे खास जरूरत नहीं क्योंकि अच्छी ही बढ़त पे है इस वक्त और कॉर्नर पे ये देखे कमजोरी साबित हुए। स्कोर पहुंचा 28-14 अजय, 28-14 यानी दुगना स्कोर है। छोटे मियां तो छोटे मियां बड़े मियां सुभानअल्लाह, और ये लीजिए उठा लिया है चारों दिशाओं से 29-14 डिफेंस मान सिंह टीम के कप्तान, ये संभवतः इनका पहला रेड है इस हाफ में। टॉस जीत कर अच्छा कार्य किया मगर पहला पॉइंट खुडियों के खाते में गया था, उसके बाद 2 पॉइंट से शुरुआत की थी ढील की जाटाने और पीछे मुड़ के नहीं देखा, अच्छी खासी बढ़त बनाता हुआ इस वक्त 5 के डिफेंस में, लेकिन डिफेंस कमजोरी साबित हुई है खुडियों की। अगर बात करें तो तेजी से आगे जरूर बढ़े लेकिन छू नहीं पाए मान सिंह को। राम सिंह जी दत्तरवाल बेहतरीन सेवाएं देते, पूरा मैनेजमेंट चलता हुआ इस कबड्डी प्रतियोगिता की सफल बनाने में उनका योगदान काफी बहुमूल्य। तमाम ऑफिशियल्स हरि राम बाबा राष्ट्रीय के अंपायर, दूसरे राउंड का ये मैच, अरे वाह सही वक्त पे कैच किया दिल की जटान, अमित लपके गए 1 पॉइंट खुडिया 15-29। मोनू चले इस वक्त बोनस का प्रयास, अच्छा प्रयास एक बार बताते हैं हमारे निर्णायक, लेकिन नाकामी, बहुत ही अनुभवी निर्णायक है तीनों मोहित, अपने समय के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं प्रमोद जी लोसना, अनिल जी गुजर, बोनस का अजय जी नरवाल, अनिल जी गुजर और उनके सामने अजय जी नरवाल। कोई दिखता है तो हमारे वरिष्ठ निर्णायक ओम जी और राम सिंह जी शारीरिक शिक्षक, बोनस अर्जित करते हुए दोनों की राशि एक ही है, आपस में हल कर लेते हैं। थर्ड रेड, तीसरा रेड और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचते हुए डोर डाई रेड में 2 पॉइंट 17-29। बढ़त को कम करने की कोशिश, संघर्ष लगातार, लेकिन 17-30
हमारे स्कोरर हैं, बीच में गलतियां जगदीश जी डूडी दोहराते हैं, उसलिए असिस्टेंट स्कोरर, अरे वाह, हवा में छलांग लगाई, लेकिन मनोज जी मनाना हवा में शिकार किया और दूसरा शेटर टाइम आउट। बेहतरीन टीम है यहाँ पे निर्णायकों की, ओम प्रकाश जी जांगिड लंबा अनुभव रखते हैं और उनके साथ हैं अनिल जी गुजर, प्रमोद जी, स्कोर है बेहतरीन सेवाएं देते हुए सुपर टेकल में है अनिल गुजर, सुपर डेकलोन की चेतावनी तीर का डिफेंस और यहां भेदने की कोशिश, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं, लेकिन साइडलाइन से बाहर चले गए। दो पॉइंट जाते हुए इसमें ढील की जाटाने के खजाने में राकेश पन्नालाल जी चाय लेकर आए खिलाड़ियों के लिए, कॉर्नर पे गलती की है, सिंगल पॉइंट के साथ है अच्छी वापसी और सुपर टेकल से बाहर आ गया है इस वक्त ढील की जाटान, जो अवसर था खुडियों के पास वापसी का उसको गंवा दिया, टाइम आउट लिया था मगर सुपर टेकल में पकड़े गए और कॉर्नर पे दो पॉइंट यहां मिलेंगे, फिर से दो पॉइंट गंवाए हैं, अच्छी रेड है खुडियों की। बसेसन जी सुंदरिया मोहित जय सिंह जी नेहरा से मिले, जयचंद जी नेहरा से बहुत बेहतरीन, बसेंद्र जी सुंदरिया मुकाबला इस समय कबड्डी की खूबसूरत बांधगी, स्कोर 20-33, अच्छा कौशल दिखाते हुए खिलाड़ी बोनस का प्रयास, चाहे खुडियों की बात हो दर्शकों को बता दे बोनस तभी माना जाता है जब एक पैर हवा में और गलती फिर से दोहराई, दूसरा पैर बोनस लाइन से पार, वन पॉइंट ढील की, इस प्रकार की गलतियों से ही मुकाबले में पिछड़ा हुआ है इस समय खुडिया चार के डिफेंस में और यहां सफल रेड है 21-34 का स्कोर, 13 अंकों के लिए टीम भी आ चुकी है, शानदार टीम है चैनपुरा की, 6 साल से खुडानिया में ट्रॉफी उठा रही है चैनपुरा, समय व्यतीत करना इस समय थोड़ा सा जरूर चाहेगा ढील की जाटान, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त और जोखिम कम उठाना ही पसंद करेगा, सुपर टेकल फिर से 3 का डिफेंस, टच पॉइंट का दावा, गंवाया है पॉइंट, जी हाँ, और मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ कोशिश होगी खुडियों की, खुडिया के कैच करते हुए ऑल आउट करने की, 1008 जी आए हैं, दो ही खिलाड़ी बचे अपनी टीम लेकर, बाबा जी का आशीर्वाद उठा है, लिया है चारों दिशा, अच्छा कार्य करता हुआ इस वक्त खुडिया, स्कोर पहुंचा, अंतिम खिलाड़ी आत्मसमर्पण और लीजिए 3 पॉइंट जाते हुए, पहली बार ऑल आउट किया खुडियों ने ढील के चाटान को, 34 ऑल आउट के साथ ही देखिए स्कोर 26-34, अब बढ़त सिर्फ 8 अंक की, खुडिया टीम अगर जीतती है कुछ हद तक तो वापस आया खुडिया मुकाबले में, कॉर्नर पे ये देखे चेहरे को छू लिया, जीतती है तो महाराज जी छू लिया आसमान, 1 पॉइंट नैसर्गिक और जो भी टीम विजेता होगी उसको सरपंच साहब 100 रुपए देंगे, रोमांचक होता है मुकाबला, आगे बढ़ा भी देंगे इनाम, ये सेमीफाइनल फाइनल में इनाम की बरसात करेंगे ऑफिशियल असिस्टेंट और टच पॉइंट का दावा, लेकिन मगर संभावनाओं में ही वापस राकेश, बोनस का प्रयास, देखते हैं आखिर प्रतीक्षा अंपायर के निर्णय की, कॉर्नर पे कैच करने का प्रयास, लेकिन पूरा से मोहन जी राठौड़ बोनस के साथ पॉइंट, अभिनंदन कुल मिलाकर 2 अंक, ढील की जाटान जबरदस्त फॉर्म में, मुकेश जी चैनपुरा अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 4 दिन से, बिल्कुल पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं मुकेश जी चैनपुरा, खेल भावना अभी भी इनमें जीवित है, ऑफिस 36-26 ऑफिशियल के रूप में राहुल असिस्टेंट अंपायर के रूप में भूमिका निभाते हुए है राहुल भादरा के पास, राम सिंह जी धतरवाल बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट को संभाले गए और ये देखिए बिजली की कमाल का पॉइंट, डू एंड आई रेड 26-38 का स्कोर, स्कोर 26-38 12 अंकों की फिर से बढ़त बनाने में कामयाब, जो ऑल आउट किया था उसका फायदा नहीं उठा पाए खुडिया, ढील के जाटान 2 बार ऑल आउट कर चुका है जबकि खुडियों ने सिर्फ 1 बार, और यहां देखिए कम मजबूत डिफेंस नजर आता हुआ फिर से, सुपर टेकल ऑन है और फिर से कमजोरी साबित होता हुआ, भारी संख्या में ग्रामवासी पहुंचे हैं, खुडियों का डिफेंस टच पॉइंट बिल्कुल मिलेगा, जी हां मध्यांतर में टच किया, धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर 1 पॉइंट मैच देखने के लिए आए, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छे खिलाड़ी आप देखोगे,
बेहद मजबूत स्थिति में 14 अंकों की विशाल बढ़त पहले हाफ का खेल और यहां ब्लॉक किया है एक बार फिर से अंतिम खिलाड़ी लीजिए तीसरी बार ऑल आउट करता हुआ इसी के साथ ढील की जाटान ने खुडियों को ऑल आउट किया। 43-26 का स्कोर इस वक्त की टीम आ चुकी है यानी 27 की टीम भी आ चुकी है 17 अंकों की बढ़त इस वक्त और ये लीजिए फिर से वही कार्य किया बेहतरीन डिफेंस कहानी दोहराता हुआ लगातार 44-26 18 अंकों की विशाल बढ़त और इस बढ़त को काटना बहुत मुश्किल होगा। दूसरे हाफ में बोनस का प्रयास किया है झपट्टा मारा है सीने के आसपास शेफ पीछे जाते हुए रनिंग हैंड टच करना चाहते थे और छू लिया हेड को टच पॉइंट यहां मिलेगा बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट अनिल गुर्जर 46 स्कोर इसी के साथ देखिए 26-46 अजय नरवाल एनआईएस कोच 20 अंकों की लीड इस वक्त थर्ड एम्पायर प्रमोद जी लोसना सीनियर कबड्डी खिलाड़ी और एक बार फिर से 46-26 बादलों के आहोश में भगवान पास बढ़त है ढिलकी के पास पहले आपका खेल समाप्ति के करीब हरिराम मेले 25-20 का मुकाबला शानदार मैच चलता हुआ खामोशी वापस लौटना पड़ा। इसी के साथ मध्यांतर हाफ टाइम हाफ टाइम के समय स्कोर है 26-46 उमरा वर्सेस चैनपुरा यानी 20 अंकों की बढ़त हमें आज काफी संख्या में आज ऑफिशियल ग्रामवासी पहुंचे हैं बाबासा के रूप में अगर आप जगदीप जी नेहरा विजेंद्र जी जांगे फाइनल नहीं होगा बेहतरीन कोच जयचंद जी सम्मानित ग्रामवासी पूरा आनंद लेते हुए इस वक्त श्री हरि राम बाबा कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का और ये देखिए राम सिंह जी धतरवाल बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनका योगदान बहुत बहुमूल्य है मील के पत्थर साबित हुए हैं और सोचा नहीं था यहाँ के ग्रामवासियों ने कि टूर्नामेंट को इतना बेहतरी से सफल बनाया जाएगा लेकिन जहाँ जहाँ राम सिंह जी के कदम इनके पद चिन्ह टिकते हैं वहाँ टूर्नामेंट सफल से भी सफल रहता है। सेकेंड हाफ का खेल शुरू इसी के साथ 20 अंकों की बड़ी लीड ढील की जाटान के पास और उस बढ़त को काटना एक कठिन चुनौती इस वक्त खुडियों के सामने और पहली ही राइड के ऊपर पॉइंट का दावा जी हां मोनू को टच करने के बाद सुरक्षित वापस लौटे। अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में भी स्कोर इसी के साथ लीजिए 47 निश्चित रूप से एक से बढ़कर एक पूरी गन राउंड से भरी है और यहां चकमा देने की कोशिश लेकिन इस बार भेद नहीं पाए डिफेंस को 7 का डिफेंस इसलिए 1 पॉइंट इधर से ढील की जाटान की झोली में कुल मिलाकर 2 पॉइंट शुरुआती समय में सुपर टेकल का संकट और यहां कॉर्नर पे गलती करते हुए लीजिए धीरज को छू लिया और शुरुआती समय में ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है 49-49 स्कोर 68 के बिल्कुल करीब इतना आसान नहीं पॉइंटर जीत करना 6 नंबर जर्सी में देखिए समन्नी को संकट में नजर आते हुए बेहद अधिक दबाव उनके ऊपर क्योंकि बड़ी बढ़त के ऊपर इस वक्त ढील की जाटा अमित सुपर टेकलोन 2 के डिफेंस में बहुत मुश्किल होता रोक पाना अगर कैच करते हैं तो बहादुरी डिफेंडर माने जाएंगे लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रोक पाएंगे। अब पांव से पांव छू लिया जी हाँ मिलेगा आसानी से पॉइंट इसी के साथ 50 कम जब ढील के जाटान की 50-26 ढील की 50 पूरी और अब अंतिम खिलाड़ी खुडियों का ऑल आउट का खतरा इसमें सर पे मंडराता हुआ वापिस अगला मैच लौटने चैनपुरा बेहद दबाव में इस वक्त बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं चैनपुरा में समय ध्यान रखना होगा निर्धारित 30 सेकंड का मुश्किलों में इस समय खुडियां
पहुंच गए लक्ष्य तक। लेटर से वन पॉइंट खुट गया। बड़ी देर लंबे संघर्ष के बाद आखिर पॉइंटर जीत कर दिया। पांच मैच खेल चुकी है, पहला पॉइंट फाइनल में है, दूसरे सेकंड भी चक्कर चल रही है और यहां ऑल आउट होगा इसी के साथ ही। लीजिए तीन दिन से गौड़ी पांच मैच जीते, दूसरे हाफ में भी ऑल आउट करने में कामयाब। इससे पहले ये तो सेकंड तीन बार ऑल आउट कर चुका था पहले हाफ में। खुड़ियों के कंधे झुके हुए इस वक्त खिलाड़ी घायल हो गए, फाइनल में जबकि 53 स्कोर है इस वक्त। इस बात को फिर की जाकर अगले साल फाइनल ही खेलेंगे। 26 की बढ़त राकेश सलीम, चाहे कुछ भी हो जाए बहुत बेहतरीन युवा खिलाड़ी की एक शानदार टीम बनाएंगे। लगातार प्रैक्टिस करते हैं और उसी का लाभ मिलता हुआ इसमें ढील के जाटान को। अच्छा प्रयास बोनस का, मगर यहाँ अगर दो से तीन मिनट के खेल में वापसी नहीं की तो फिर खाने की होगा पॉइंट गंवाए हैं इस समय। शानदार व्यवस्था ग्रामवासियों के द्वारा, शायद ही आपको ऐसी की तरफ व्यवस्था राज्य स्तर के मैचों में भी नहीं देखने को मिलेगी। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक की पोशाक में इस समय कॉर्नर पे इतना जोरदार व्यवस्था करने के लिए अमित को बाहर भेजा। हर तरह से खिलाड़ियों का बड़ी ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टर की व्यवस्था समय समय पर पूरे ग्राउंड में सभी चीजों की पूरी व्यवस्था दिखाई दे रहा है इस समय। खुड़िया सरपंच साहब विजेंद्र जिंदा होने चाहिए, धन्यवाद। हार हो या जीत, लेकिन संघर्ष करते हुए हारना अलग बात होती है और आत्मसमर्पण के साथ मैच छोड़ना या गंवाना निराशाजनक। और यहाँ लीजिए पॉइंटर जीत करता हुआ फिर से खुड़िया 57-28 के स्कोर में। देखिए इस वक्त बेहद मुश्किल में कैच करने का नाकाम प्रयास, हाई होल्ड का प्रयास, लेकिन दो पॉइंट एक और बड़ी रेड। खुड़िया के बाहुबली आज चल नहीं रहे हैं। खुड़िया इस समय महाराज श्री 1000 साबित हो रहा है, अपने खिलाड़ियों से थोड़े उदास, तालमेल की कमी, हौसले की कमी, करना पड़ेगा थोड़ा काम, कंसिस्टेंसी भंग होती हुई। कमलेश जी योगी कॉर्नर पे मानसिंह मौके की तलाश में। खुड़िया जीत जाती है तो कमलेश जी योगी 500 रुपए देंगे। वापिस खाली हाथी लौटे 58-59 यानी बड़ा। देखिए खुदानिया की टीम भी पहुंच चुकी है 31 अंक की हो चुकी है, बहुत जितना स्कोर हो उससे ज्यादा बढ़त इस वक्त ढील के जाटान के पास। और यहां अमित ने फिर से पॉइंटर जीत कर लिया। दूसरी तरफ खामोशी में खुड़िया, युवा टीम शानदार खिलाड़ी, अगले मुकाबले के लिए टीम तैयार होती हुई ठीक सामने देख सकते हैं। वार्म अप प्लेयर है, बहुत ही अनुशासित, समय पर पहुंच गई टीम, धन्यवाद उनका इतनी दूर से चलकर आकर। इनका मैच चैनपुरा के साथ होगा। मध्यांतर में टच किया है, बाहर जाना होगा। पर आपको जाने माने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, शायद वो भारत की टीम में भी एक दिन खेले तो हम बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि ये खिलाड़ी हमारे गांव में बाबा श्री हरिराम मेले में खेला था और आज भारत की टीम में खेल रहा है। गलती फिर से दोहराई है, शानदार खिलाड़ी देखना आप इस गांव में। थर्ड रेड डुअल लाइन नजर आ रहे हैं आज, साथ के डिफेंस में कंटिन्यू बोनस का बेहतरीन प्रयास, लेकिन देखते हैं पिछला पाव हवा में था कि नहीं। कॉर्नर पे कैच कर लिए गए ढील की जाटान की झोली में, सुपर टैकल में है इस वक्त। बहुत ही शानदार मैच होगा, दो के डिफेंस प्रो कबड्डी में चल रहे हैं अमित, और उसी तरह से आपको ओपी शीटिंग देखने को मिलेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि उन निर्णायकों से हमारे निर्णायक किसी भी चीज में कम हवा में ही शिकार किया है इस बार। एक मौके की जरूरत है, बड़ी मछली सुपर टैकल, भाई सुपर टैकल के लिए जाने जाते हैं खुड़िया। क्या निशाना बनाया दो के डिफेंस में, निर्णायक टीम है राम सिंह जी की, वो प्रो कबड्डी टीम से हवा में डाई लगाने की कोशिश की थी लेकिन हवा में ही कैच कर लिए गए। जिस प्रकार से बात शिकार करता हवा में पंछी का, और कॉर्नर पे ईमानदारी का परिचय।
लिखित में भी इन्होंने रेफरशिप के एग्जाम क्लियर कर रखे हैं। प्रो कबड्डी में रेफरी जा सकते हैं अनिल गुज्जर, पवन जाटान के सामने खुडियां, लेकिन मुकाबले में बेहद पिछड़ा नरवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। समाप्ति के करीब मुकाबला, कॉर्नर पे टच किया और दो पॉइंट यहां अर्जित करते हुए, जी हां, एक बार फिर से संकट में खुडियां। अजय कॉर्नर पे कैच कर लिया गया आसानी के साथ, मान सिंह ने बड़ी अनुशासन से कैच किया। सरपंच साहब जी से निवेदन है कि वो अंतिम खिलाड़ी में ट्रॉफियां प्यार है वो लाएं, खतरा समय हो चुका है, आत्मसमर्पण एक बार फिर से खुडियां का। दूसरी बार दूसरे हाफ में, इससे पहले पहले हाफ में तीन बार कुल मिलाकर पांचवी बार ऑल आउट किया की व्यवस्था की जाटान ने खुडियों को, पांच बार ऑल आउट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कॉर्नर पे छू लिया मानसिंह को, जी हाँ, मौके की तलाश और खुडियों का मिल गया पॉइंट, ये बड़ी देर के बाद सही, लेकिन जीत की दहलीज भी इस समय दिखाई देता हुआ ढील की जाटान, जबकि खुडियां कमजोर साबित होता हुआ हार की कगार पे। निर्णायक समय बहुत कम बचा है इस वक्त, सुनील मीणा, नरेश मीणा मैच देखने के लिए आए हैं और ये लीजिए फिर से धन्यवाद, एक और पॉइंट ढील की जाटान की झोली में। शानदार योगदान निभाते हुए यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र जी, जांगेड़ी राम सिंह जी, धतरवाल और तमाम ऑफिशियल्स बोनस अर्जित करने में कामयाब रहे। अमित चले निर्णायक मोड़ पे मुकाबला, क्योंकि जीत यहाँ निश्चित है इस वक्त ढील के जाटान की, और खुडियां पराजय की तरफ है और यहाँ फिर से छू लिया एक और पॉइंट जाटान की जटाओं में, जटाएं काफी गहरी और लंबी हैं और जीत का इरादा सीने को छू लिया इस बार, जी हाँ, मध्यांतर में बिट्टू को। अमित समय व्यतीत करते और फितरत जिस टीम के पास बढ़े तो लाजमी है हर रेड के ऊपर लगभग समय पूरा करना, और ऋषि के साथ लीजिए एक पॉइंट अर्जित करता हुआ खामोशी में समय खुडिया, झपटा फिर से मारा है, जी हाँ, दो नंबर को छू लिया, बोनस प्लस वन पॉइंट, बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। अमित मुस्कुराते हुए कैच करने की कोशिश, फिर से नाकामयाब, कॉर्नर पे आ गए इस बार, पिछली बार मध्यांतर पे टच किया था, टच ईमानदारी का परिचय नहीं दिया, लेकिन अंपायर के धोखे नजरें धोखा नहीं खा सकती। अमित बोनस तक पहुंच गए आसानी से, डिफेंस काफी कमजोर, देखे कितना आगे जाकर बोनस अर्जित किया, और तेजी से आगे बढ़े, मौका था कैच करने का, लेकिन सिर्फ देखते रहे मुस्कुराते रहे। कंधे झुकते हुए इस समय खुडियों के जीत के मंजिल पे है इस वक्त ढील की जाटान, विदाउट पॉइंट वापस, और यहां सफल रेड लास्ट फाइव मिनट, और ये लीजिए हाथ को ही जकड़ लिया, मानो शिकंजे में फंसा दिया हो, दोबारा कोशिश नहीं करेंगे इस तरह से हाथ को आगे बढ़ाने की शायद, और अब समय लेना चाहेंगे शायद अमित। स्कोर की अगर बात करें तो 37 से खुडियां और
75 हाई होल्ड ढील की जाटान। अब स्कोर बढ़ता हुआ 38-75 बहुत बड़ी बढ़त 37 अंकों। बोनस प्लस 1 पॉइंट लास्ट 4 मिनट। लीजिए इसी के साथ मुकाबला ढील की जाटान ने जीत लिया है। खुडियों को पराजित करते हुए बहुत ही शानदार खेल दिखाया। क्या नंबर जर्सी खिलाड़ी राम सिंह देखिए दोनों टीमों को बधाई देते हुए और बेहतरीन सेवाएं उनकी यादगार जोरदार।